अपना जमाना आप बनाते हैं तहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। नमस्कार, आदाब, मैं प्रीति द्विवेदी शुक्ला आप सबका आकाशवाणी की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रूबरू में इस्तकबाल करती हूँ। रूबरू काफिला है चमकते दमकते सितारों का, और आज जो सितारा हमारे बीच है उनकी पहचान, उनका अंदाज सबसे जुदा है, या फिर मैं ये कहूँ आप नृत्य की दुनिया के वो आफ्ताब हैं जिनसे तालीम लेकर बहुत से सितारे रोशन हुए हैं। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बनारस घराने की शान कथक सम्राट द लिविंग लेजेंड पंडित श्री जितेंद्र जी महाराज हैं। आपने कथक की प्राचीन शैली मंदिर शैली को पुनः स्थापित कर एक अहम मुकाम तक पहुंचाया, और कला राजदूत रहते हुए बहुत सारे देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन आदि जगह इसकी ख्याति को बढ़ाया। समय समय पर आपको आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान इत्यादि। आपने अपने कला कौशल से बहुत सारे कलाकारों की नृत्य विधा को तराशा है। आप जितने बेहतरीन नृत्यक हैं उतने ही बेहतरीन गायक और वादक भी हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम ऐसी बेहतरीन शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम रूबरू में। नमस्कार। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस कार्यक्रम में आया हूँ, और मुझे आपने समय दिया थोड़ा सा कि बनारस घराने की जो विशेषता है उनका मैं आपके माध्यम से जनता के सम्मुख ला सकूं। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि कथक और कथक की मंदिर शैली ही आपकी मंजिले मकसूद है, और क्या कोई ईश्वरी प्रेरणा थी जिसने आपका रुख इस तरफ मोड़ दिया? देखिए, भारतीय संस्कृति की पहचान अन्य विधाओं के अतिरिक्त संगीत, वाद, नृत्य और गायन से है। विदित रहे कि बनारस नगरी हमारे प्राचीन नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है, और उसने बहुत अद्भुत साहित्य, संगीतकार, नृत्यकार जैसे कलाकारों को हमारे सम्मुख रखा है। और मैं शुरू से ही बाबा विश्वनाथ का उपासक हूँ, अर्थात शिव का उपासक हूँ। तो बहुत सी रचनाओं में से मैं आज एक ऐसी रचना सुना रहा हूँ कि जो मेरे को एक समय मिला और उसको मैंने जब रचा तो मेरा रुझान ये पता लगा कि ओम और नृत्य के मिलन का क्या संबंध है। तो देखिए, धर्कृधुम गिरधा शिव शंकर की जटा जूट में गंग विराज, चंद्रबाल पर कान में कुंडल त्रेत धारे, नील 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 कंठ पर भुजंग विराज, और कर में डमरू डिमक डिम 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 बाजे नाच रहे शंभू, नाच रहे शंभो, तदा। तो जब मैं उनसे जुड़ा तो मुझे ये लगा कि आखिर ये जो लुप्त हो रहा है शैली, वो किस प्रकार से सम्मुख लाऊं, और इसलिए मैं उसके साथ जुड़ गया और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुजी, आपकी तालीम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आप अपने गुरुजी पद्मश्री पंडित कृष्ण कुमार जी महाराज से कैसे मिले? नृत्य का मुझे संगीत वाद नृत्य से मतलब, मेरा नृत्य का शुरू से ही बहुत एक प्रकार से प्यार था, या मेरा अंतर आत्मा कहती थी कि मैं नृत्य करूं जी। और बचपन में मुझे यहाँ थोड़ा सा याद है कि मैं कहीं जाता था तो संगीत सम्मेलन हुआ करते थे, तो उनको मैं जरूर देखता था जी और सुनता था। तो ऐसे ही जब मेरे महाराज जी किसी संगीत सम्मेलन में नृत्य कर रहे थे और मुझे पता लगा उनका नृत्य, मैं उनके पास गया, और पास जाने के बाद जब मैंने उनके नृत्य को देखा तो मैं ऐसा विभोर हो गया। और फिर वहां से मैंने इस बात को सोचा, क्योंकि उस समय मैं कम एज का था, कम उम्र थी, और ये जानना चाहता था कि आखिर ये जो मैं सोच रहा हूं और वो सोच उससे मुझसे मतलब मिल गई। वो एक पद नाच रहे थे, बनारस घराने का बहुत प्रसिद्ध
पद है, और वो पद ऐसा है कि जैसे फर्ज कीजिए यशोदा बैठी हैं और यशोदा माखन बिलो रही हैं, और माखन बिलोने के साथ साथ वो कृष्ण को देखती हैं और हंसती हैं और उन्हें डांटती हैं। तो कृष्ण ने कहा क्यों ना इस बात ऐसा मौका मिले कि माँ को मैं वो रूप भी दिखाऊं, तो वो मुरली उन्होंने फेंकी ऊपर और ब्रह्मांड में एक छवि निकली और फिर वो उनके पास आ गए। तो यशोदा मैया जो थी वो कृतज्ञ हो गई कि आज मुझे उनके दर्शन हुए। और उस दर्शन पर एक और बात है कि उस समय अधिकतर जो था वो पुरुष जो नृत्यकार थे वो पुरुष हुआ करते थे, क्यों कि पहले कथाएँ होती थी और कथाओं के साथ वो उसके साथ उसकी जो वो था आपके कहते हैं करेक्टर वो गा के करते थे और एक बताता था। तो देखिए कितना अच्छी बात है कि धारी 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 दिन नाते दिन नाते दिन ना लसत लसत प्रभु लसत कदम होता रे छोटी सी लकुट लिए बैन बजैया और चलते चलते चाल चल त्रभंगी झलक झलक कान कुंडल सोइया या छप देखे ब्रखभाम गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेते बलैया गंधनी गंधनी भजते मृदुन धारी धारी बताल देते रात का नाचते कन्हैया 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 कन्हैया। बहुत बहुत सुंदर। तो गुरु जी जैसे आप बनारस घराने से आते हैं तो इस घराने की क्या विशेषताएं हैं जो इसको और घरानों से अलग करती हैं? देखिए क्या है कि इसकी अलग होने की बात नहीं है, बात तो ये है कि ये क्यों अपने में पूर्ण है जी। तो जैसे मैंने अभी आपको एक ये बोल सुनाया तो इससे मेरी ये धारणा बनी कि कुछ ना कुछ तो इसमें जो पूर्वज हमारे हैं उनकी ये दश मतलब एक सोच रही होगी कि हमने दरबारों के में नौकरी नहीं करना है और हमने रजवाड़ों में नौकरी नहीं करना है और हमें स्वतंत्र करना है। यही कारण था इसको शेल्टर बहुत बाद में मिला, ये तो उनकी कृपा है कि मैं मतलब यहाँ तक आ गया हूँ। तो देखिए एक बात है कि एक समय ऐसा था, आप भी जानते हैं क्यों मैंने एक प्राचीन शब्द जोड़ा है, आप मुझे बताइए कि कथक नृत्य में आज और अब में क्या फर्क है? फर्क ये है कि देखिए उस समय पखावज थी जी। और छंद थे, छंद की प्रवृत्ति थी और शुद्ध नृत्यों की बोलों की थी। आज हम किसी वजह से कभी कभी तबले को यूज करते हैं क्योंकि तबला तो मध्य युग का देन है। तो देखिए क्या है कि इसमें शुद्ध नृत्यों में क्या फर्क है कि हम करें तिगधा दिग दिग दिगो दिग थी तथई ता थे कुकुआ तीधा दिग दिग थो दिग थे ताम थे तीधा दिग दिग थो दिग थे ताम थे तीधा दिग दिग थो दिग थे ताम ना दिग ना दिग ना दिग थे दिग थे दिग दाते तै तै तथे दिग थे दिग दाते तै तथे दिग थे दिग दाते तै तथे तथे। अब ये शुद्ध बोल हुए और पखावज कैसे बनेगी? धातरांग धा धुमक धुमक धा घान धा धेर गिरा धा धेर गिरा तो फिर बाद में तबला ज्वाइन हुआ और ये जो है ये शुद्ध नृत्य बोलू की मतलब इसमें परंपरा है। और नादिग दिग थो दिग दिग तीधा दिग दिग ये इसके मुख्य अंग है जी। जैसा भी आपने कुछ देर पहले भी कृष्ण का वर्णन किया था तो उसमें मेरे ध्यान में एक चीज आई, नटवर। नटवर का भी संबंध कृष्ण से ही है, तो कोई भी कवित्व कोई छंद जो उसका आप पढ़ना चाहें सुनाना चाहें। अवश्य। क्या है कि असल में नटवर मतलब कृष्ण को नटवर कहा है और बहुत से लोग इसको फिर बाद में नृत्य में नटवरी नृत्य कहने लगे, मतलब कृष्ण का किया हुआ नृत्य। महाराज उसकी एक देन है, महाराज इतनी सुंदर देन है कि आज भी उस परंपरा को चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हों भारत के हर एक शैली वाले उसको अपनाते हैं। और कथक नृत्य का तो मतलब एक प्रकार से कह रहे हैं कि जिगर है वो कृष्ण उसका। तो देखिए कृष्ण के बारे में कि मुझे बहुत अच्छा पद वैसे बहुत सारे हैं, एक बहुत अच्छा पद याद है और उसकी सुन के आपको ये धारणा लगेगी कि आखिर ये इस यही बनारस में क्यों बात आई। आध्यात्मिक पूर्ण पूर्ण भरा हुआ है इस पद में, कहते धा दिन ना दिन दिन नाते दिन नाते दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन धा दिन ना दिन दिन नाते दिन ना धुन अनित गत नित भजत धत इत सप्त स्वर मिल मुदित यत नत करत कानर विचर तथे नाचत एक चित इत सजत राधा चब अमित मन दुबत नाचत एक मत जित जुगल जोड़िए जोड़ जित नित भत साप क्रांत नित दुत भुक्ति देवर दीन दीन दीन
दीन दीन दीन दीन दीन दीन अर्थात बनारस घराने की शैली के नृत्यकारों को सामवेद में जब कोई जगह मिली तो कृष्ण के माध्यम से मिली। और वही है कि देखिए एंड में वही कहता है कि जो उसकी साधना आराधना करते हैं सच्चे मन से सच्चे ढंग से उनकी जोड़ी कृष्ण राधा की सम्मुख आती है और उनको मुक्ति मिलती है उनके दर्शन करने से। जी गुरु जी, आपने बहुत सारे मंदिरों मठों में परफॉर्म किया है, उसी क्रम में 2003 में आपने अपने शिष्यों के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर में जहां केवल 14% ऑक्सीजन ही होती है एक अद्भुत सा रिकॉर्ड बनाया था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या था और कैसे आपने सारा कुछ किया। देखिए ऐसा है कि जैसे ये सब जानते हैं जी। मतलब मेरे वर्ग के लोग और जनता भी जानती है, जानने लगी है, काफी ढंग से जानते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ। ऐसा ही मेरे एक दिन ध्यान में आया, ध्यान सबसे बड़ी हमारी यहाँ अध्यात्म शक्ति की प्रतिक्रिया है, भक्ति भजन गाना माला जपना और उसकी आराधना करना एक अलग है, ध्यान करना एक अलग है। मैं वैसे ही बैठा हुआ था और मेरे मन में आया, मेरा कक्ष है जो नृत्य कक्ष, उसमें नटराज जी की फोटो, तो मैंने कहा कि प्रभु आपने सब कुछ कर दिया लेकिन एक बात पूरी नहीं है और वो है आपके दर्शन जी। तो देखिए वो बुलावा आया और सब जानते हैं कि नलिनी कमलिनी ने जी। कैलाश मानसरोवर के तट पर और कैलाश पर्वत पर जो नृत्य किया वो अद्भुत था और उसकी फिल्म भी बनी हुई है और लोग उस बारे में आते हैं। तो देखिए वो जब वो नृत्य कर रही थी तो उसी समय में एक ईश्वर की कृपा है कि मेरी सृजनात्मक जो प्रणाली है वो एकदम उसी समय उपजती है। तो मैंने जब वो नृत्य कर रही थी तो मैंने कहा टिट 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 तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव टिट 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 तगन नगन गण दिग्गदान मुंडमाल चंद्रभाल शोभते बिघन हर दुख दूर्गा मुनिजन सब कर दान हर 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 महादेव मुनिजन सब कर दान हर 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 महादेव मुनिजन सब कर दान हर 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 महादेव। तो देखिए महादेव की मैं उसमें रहा और कृष्ण की जो नटवरी नृत्य है उससे जुड़ा। तो हमारे बनारस घराने में एक खास बात है कि दोनों पद्धतियां हैं, साहित्य की पद्धतियां हैं लास की और तांडव दोनों की। लास में कृष्ण को हम लोग ज्यादा मानते हैं और तांडव रूप में महादेव। और जी बहुत सुंदर, और मतलब इतने लंबे समय तक और ऐसी परिस्थितियों में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात थी, और तो मतलब उसके पीछे बहुत रियाज लगा होगा, तो आप मतलब रियाज को कितना महत्वपूर्ण और कितना मतलब होना चाहिए आज की पीढ़ी जो शॉर्टकट्स ढूंढती है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे रियाज कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की जो शिक्षा थी जी वो शिक्षा ऐसी थी कि शाह के इर्द गिर्द शाहगिर्द। तो ऐसे ही नलिनी कमलिनी जब मेरे सम्मुख आई तो मैंने सोचा कि रियाज जो है वो किसी भी कला की चोटी तक ले जाता है अगर आपका मन साफ है। तो आराधना साधना के अनुसार जब वो मेरे पास आई तो देखिए हम लोगों ने क्या करा कि जैसे उनका पैर बहुत तैयार है सब जानते हैं इस बात के लिए जी, तो मैंने क्या करा कि प्राचीन समय में मेरे महाराज जी ने मुझे बताया था, मैंने रेत बिछा दी और रेत पे पानी डाला, कहा इस पे पैर से नृत्य करो, फिर वो पैर से नृत्य करने लगी। अब थाप निकलते नहीं क्योंकि पानी पड़ गया रेत अंदर जाने लगा, लेकिन जब वो फर्श पे आई तो उनका पैर ऐसा हो गया जिसके जिसके मतलब को कहना है क्या। और देखिए एक बात है उनकी, एक और है कि शिष्य हो तो ऐसा हो। नलिनी कमलिनी ने एक अपनी संस्था बनाई हुई है फाइन आर्ट्स अकेडमी संगीत का जी, और उसमें उन बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं, मैं भी देता हूं और शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाली जनरेशन ये ना कहे कि गुरु ने हमारे साथ कुछ ही नहीं किया। तो आज वो इस तरीके से उनको बना रही हैं कि जिससे कि आगे आकर, लेकिन एक शर्त है, धैर्य रखिए, आराधना करिए, साधना करिए, समय के इंतजार किए और एकदम ऊंचाई को छूने की मत कोशिश करिए। अगर जी, आपने ऐसा किया तो अवश्य उस जगह पहुंचेंगे जहां नलिनी कमलिनी। ऐसे कई शागिर्द थे मेरे जो बहुत अच्छा नाच रहे हैं और बड़ी प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा भी मेरे पर एक अद्भुत रूप से मेरे साथ है। एक और सुना रहा हूं मैं आपको जी, जी, चलते चलते और मजेदार बात है। देखिए क्या नाम है, एक छंद है बहुत अच्छा लास्ट में कि घुमटी चिचक नाचत सखी। सखी देखिए सबने ग्वाल वालों को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें सखी को
हम कह रहे हैं कि घूम रहे चिचे के नाच चते सकी ताते ताते कुकु जन न न न न न न कुकु जन कुकु जन कुकु जन न 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 गुरुजी, कला राजदूत के तौर पर आपने बहुत सारे देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड वगैरह परफॉर्म किया है, तो कोई सबसे यादगार किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें? देखिए, वैसे तो मैंने करीब करीब आप मतलब यूरोप में लंदन जैसी जगह में मैं एक पूरा 1.5 साल रहा हूँ जी, और उसके माध्यम से फिर वहीं उसी समय की जो आपने कहा कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि आदि आदि, अमरीका सब। लेकिन एक बार मुझे हमारी गवर्नमेंट ने एक इफ्टा कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमारे दल को भेजा जी। हम लोग गए, सारे म्यूजिशियन गए, और स्टेज उनका आप जानते हैं विदेशों में रंगमंच बहुत सुंदर होते हैं, बड़ा सुंदर रंगमंच बना हुआ, और हाल को देख के मजा आ रहा था। हर आदमी सीट पे बैठा है, उसके आगे सामने एक बहुत फ्लावर का गुलदस्ता रखा हुआ, नाच शुरू किया, और नाचते नाचते जैसे होता है टाइम का लिमिट होती है, ऐसे कोई 20-25 मिनट हम नाटा नृत्य खत्म किया, और नलनी का मलनी तो जब आती हैं तो बिल्कुल परी जैसी लगती हैं। खैर, अपनी शिष्यों को मालूम क्या है, हर कोई जानता है। इतना अच्छा नृत्य करने के बाद हम जब अंदर ग्रीन रूम आए तो हमने सोचा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम अंदर जाने लगे तो जोर से तालियां बजी, और हम जब रंगमंच पर गए तो देखिए विदेशों में भी सम्मान हो तो ऐसा हो जो हम हर आर्टिस्ट चाहता है, हमें वो सम्मान मिला हम लोगों को कि हम देख के आश्चर्य मान गए कि उन्होंने फूल गुलदस्ते से निकाले और उन्होंने फेंके रंगमंच पर, और इस अंदाज से फेंके कि हमारे पैरों के सामने वो फूल गिरे आके। तो आज ये पता लगा कि पद संचालन जो संगीत वाद्य नृत्य में जैसे सुर प्रधान है, बाद में लय प्रधान है, और इसमें ताल प्रधान है पैरों द्वारा, पद संयोजन जिसे कहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर पता लगा कि वाकई हमारी भारतीय संस्कृति महान है, हम उसकी वजह से महान जान जाते हैं, और अगर संस्कृति हमारी हमारे साथ है तो हम भी उसके साथ हैं, जो वो हमारे सामने आता है हम उसको वैसे ही बरतते हैं। जी गुरुजी, गुरुजी अभी आपने संगीत का जिक्र किया था, तो उसके विषय में जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने पढ़ा कि वो अलग तरह के लोगों के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट थेरेपी करती है, तो नृत्य किस तरह इसका काम भी करता है, थेरेपी का काम भी करता है? देखिए, जो नलनी जी हैं हमारी जी, वैसे कमलनी जी भी, नलनी कमलनी जी जोड़ने, लेकिन नलनी जी जो हैं वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं जी। और उन्होंने इस बात की जो हमारा शास्त्र है उसकी मुद्राओं को लेकर, उसकी विधाओं को लेकर, उसके मूवमेंट्स को लेकर, उसके एक्सप्रेशन को लेकर, उसके माध्यम से उन्होंने इस बात को, अभी उनकी पुस्तक आने वाली है कि किस प्रकार से पैर लगाने से क्या फायदा होता है, और एड़ी और पंजा और पूरा पांव लगाने से क्या उपलब्धि होती है, और जो मूवमेंट्स हैं उनसे किस प्रकार के जो है वो मस्तक को संतुलन, मस्तक को शांति और मस्तक को एक प्रसन्नता मिलती है। तो इस प्रकार से वो रिसर्च कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उनकी इस विषय में पुस्तक आने वाली है। और मुद्राओं को उन्होंने खास कर लिया हुआ है कि कौन सी मुद्रा से जी जो है वो ये व्यक्त होता है जी। गुरु जी, अच्छा, आखिरी में कोई संदेश जो आप देना चाहें आज की पीढ़ी को? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके इस चैनल में मैं आकर इस बात को प्रसन्न हो रहा हूँ कि लोग सुन रहे होंगे और उसको मतलब इस बात को फॉलो करेंगे, और नई जनरेशन के लिए तो मैंने पहले भी कहा है कि यदि वो चाहें तो अच्छी तरीके से बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के और आत्मविश्वास के साथ नृत्य करें तो उनको वो स्थान मिल सकता है जो मैंने पहले कहा, जो आज नलनी कमुनी को मिला हुआ। तो इसलिए वो खूब मेहनत करें, और संस्कृति हमारी पहचान है, और हमारे विद्यार्थी, हमारा नृत्य हमारी संस्कृति की पहचान है। गुरु जी, कोई कवित, कोई छंद जो आपको सबसे प्रिय हो और आप पढ़ना चाहें अभी? अवश्य। ऐसा है कि जो प्रवृत्ति है कवित की, कवित की प्रवृत्ति है कि उसमें जिस कथानक को लेकर आप चल रहे हैं या जिस भाव को लेकर चल रहे हैं वो पूर्णता उसमें झलकना चाहिए। तो क्या है
कि बनारस में इस बहुत प्रकार की आप सोचिए कि छंद हैं, और एक एक छंद में ऐसी बात छुपी हुई है कि लगता है कि शायद साहित्य जैसे लोग बहुत पहले करते थे और उसको अपनी नज़र से थोड़ा दूर ही रखते थे, लेकिन साहित्य जो है चाहे वो उर्दू हो चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, साहित्य तो साहित्य ही है। तो कथक नृत्य का साहित्य जो है वो वैदिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अब देखिए मैं एक छंद आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि चंद्रमुखी राधा राधा राधा, चंद्रमुखी राधा नाचत माधव के संग, तथे ढोल मृदंग मजीरा बाजे बंसी तान सुनावे, राधा कृष्ण की निरत करत इस जोड़ी को देख, मगन भय सब ब्रजवासी, मगन भय सब ब्रजवासी, मगन भय सब ब्रजवासी, तथे 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 मगन भय सब ब्रजवासी, तथे तथे मगन भय सब ब्रजवासी, धारी गुम तला 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 बहुत सुंदर। अच्छा, जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि दरबार शैली जिसमें शोहरत रुतबा सब कुछ था, पैसा सब कुछ था, तो आपने उसे क्यों नहीं चुना, मतलब मंदिर शैली की तरफ ही अपना रुख क्यों किया? नहीं देखिए, आपका प्रश्न जायज है लेकिन हमने चुना नहीं जी, ये तो वो तो पहले से थी। आप देखिए ना, आप खुद सोचिए कि मैं नहीं कहता, आमद कहाँ से आई, उर्दू का शब्द है, आमद का मतलब होता है कि जब आप किसी सभा में जाएं तो उसके लिए रिस्पेक्ट देंगे। तो मुगल काल में था कि डांसर जब रंग नवाब के साथ दरबार में नृत्य करती थी तो उसका हाथ अपने आप से ऑटोमेटिक उठ जाता था उनको सलाम करने के लिए। उधर वो मध्ययुग में ये चला, रजवाड़ों में हुआ कि साहब वो वीर रस के उपासक थे तो देखा कि अब वो सोचे, लेकिन देखिए ये सब प्रशंसा के लिए है, जो प्रशंसा के लिए कुछ करता है वो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। भाई कला तो कला है, इसकी साधना करिए। तो राज दरबारों में जब नृत्यकार नृत्य कर रहा है तो उन्होंने बताशे बिछा दी, बताशे जानते होंगे जी, जी। चीनी का बना होता है, उस पर आप नृत्य कर रहे हैं और बताशा ना टूटे है तो मुश्किल, गुलाल डाल दिया, गुलाल पर नृत्य कर रहे हैं, गुलाल पर नृत्य करके क्या नाम है उस पर हाथी बना दिया, और कुछ लोग तो इतना कर दिया था कि एक फ्रेम लकड़ी का बना लेते थे उस पर तलवार फिट कर देते थे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ शायद मुश्किल से लोगों को मालूम है, और नृत्यकार जो है वो बार बार जंप लेकर तलवार के फ्रेम पर जाता था, नीचे आता था, नाचता था, नाचता था, नाचता था जी। लेकिन बनारस घराने में आपने कहा कि बनारस घराने को ही मतलब क्यों हमने तवज्जो दी, देखिए एक बनारस घराने में एक बहुत अच्छी बात है कि दर्जे जो हैं जी। अब दूसरी बात है, दर्जे हैं, दर्जे का मतलब है ठा दुगन चौगन तिगन, ठा दुगन तिगन चौगन। अब जैसे फर्ज कीजिए कि हम एक किसी बोल को नाच रहे हैं, और एक और बात है कि उसकी उड़ान, मतलब एक है आप कहते हैं कि धा धिन 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 धा, फिर धा धिन धिन ना ना धिन धिन ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन, चारों शैली चारों लय हो गई। अब हम कहते हैं कि तत् ता द्रिग थुन थुन जी जी की टे थो थवंग गे तका, तक तक ताद्रिग थुन थुन जी जी की टे थो थवंग गे तका, तक तक ताद्रिग थुन थुन जी थो थवंग गे तका, थुन जार गिर थेक जार गिर थेक जार गिर थेक, तक थुन थुन जार गिर थेक जार गिर थेक जार गिर थेक, थुन थुन जार गिर थेक जार गिर थेक जार गिर थेक। और दूसरी बात ये देखिए कि इसमें जो जाति है वो चारों आ रही हैं। अब एक दूसरा लेता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नृत्य में हमारे यहाँ शुद्ध बोलों की बड़ी परंपरा है। इधर आप कहते हैं ध की टे धी की टे धी टे धी टे कड़धा धी टे धी टे धकट धिकट धिट धिट कड़धा धिट धिकट धिकट धान धकट धिकट धान धिट धिट धाक धिट धीरे गिड़दारी कड़ धान तान तान धा धिट धीरे गिड़दारी कड़ धान तान तान धा धिट धीरे गिड़दारी कड़ धान तान तान धा। तो तबले को हमने ये यूज किया, लेकिन कब करते हैं, जब कोई खास बात हो, क्योंकि सब जानते हैं तबला तो मध्ययुग की देन है जी, जी। अब आया कि वो कौन सी है छंद जिसमें दिग दिग हो और लय, एक एक बात और भी है, एक कारण और भी है, अगर आप बंदिश गा रहे हैं तो अस्थाई अंतरा एक सा होना चाहिए जी। बदलना नहीं चाहिए। तो आप देखिए जैसे तीधा दिग दिग है तो दिगे शुरू से काम रहेगी वो कि तिग धा दिग 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 थो दिग दिग थी, पहली लय तिग धा दिग 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 थो दिग दिग थे, तीधा दिग 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 थो दिग दिग थे,
गुरुजी, मैंने एक और सुना था आपके बारे में, पढ़ा भी था उस विषय में, कि अगर तैरों में 100 घुंघरू बंधे और एक घुंघरू बोले या 2 घुंघरू बोले, तो गुरुजी आप ये कैसे करते थे? नहीं देखिए, ये देखिए वो बात है, ये तो यही तो नलिनी जी, अभी थेरेपी मैंने जी जी कह गया हूँ जी, बहुत अद्भुत सी बात लगी। तो मैंने ऐसा देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पद हैं उन पद में नृत्य करते समय हम पूरे जब पैर को इस्तेमाल करते हैं तो उसको तत्कार कहते हैं, चित्त पैर कहते हैं, और जब पंजे से हम कहते हैं तो उसको ना धिन धिन्ना के रूप में लाते हैं, और जब एड़ी कहते हैं तो तीधा दिख रही तीधा दिख रही, ऐसे हम बढ़ते हैं उसको जी, जी। तो ता थी थी तत आ थी थी तत ताते ती तत आते ती तत ताते ती तत, ये अब जो है वो पंजा हो गया, और तीधा दिख रही 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 तीधा, अब देखिए तीधा दिख रही तीधा दिख रही तीधा दिख रही तीधा दिख रही, स्लो कर दीजिए और अपनी एड़ी को बैलेंस करिए, मन को संतुलित करके, मन का बहुत काम है, दिल का बहुत काम है, और जब मन को संतुलित करेंगे तो सिर्फ अंगूठे को आप हिलाएंगे, जैसे नस चलती ऐसे हिलती है, अगर आप नस कभी हाथ पकड़ कर जो डॉक्टर्स को महसूस करवा करते हैं कि भाई कैसे पल्स क्या चली, उस पल्स को जब आप बजाएंगे तो सिर्फ वो पल्स के अंतर्गत जो भी घुंघरू लाइन में होगा वो बजेगा, यही अद्भुत है। बहुत नानी कमल जी बहुत करती हैं, बहुत करती हैं, बहुत नाचती हैं, बड़ी कार्यक्रम और बड़ी उनको प्रशंसा मिलती है जी। गुरु जी तो गुरु जी आपने दूरदर्शन में भी बहुत सारे प्रोडक्शन किए हैं, तो उनके विषय में कि कितने प्रोडक्शन और किस तरह के प्रोडक्शन आपने किए हैं? मैं बहुत समय से करता आया हूँ, और उसमें से मेरा सबसे सुंदर जो नृत्य नाटिका थी वो कलार और वासना, अर्थात एक तात्पर्य ये था कि अगर आप संतुलित हैं और सात्विक हैं और मानसिक आपका जो सोचने का ढंग है वो अद्भुत है, मतलब लोक में जैसे कहते हैं ना कि बहुत सत करने के बाद हमने एक बात को नोट किया कि ओम जो है वो ब्रह्मांड में जब वैज्ञानिकों ने इसकी ध्वनि को सुना और उसकी ध्वनि का आकार हुआ तो फिर वो ऐसी शक्ल में आया कि जिससे कि वो ओम से वो मिलता हो, तो ऐसे मैंने बहुत सारे ये नृत्य नाटिकाएँ बनाई, और नृत्य नाटिका के साथ साथ बहुत से जैसे रामधारी दिनकर जी, निराला जी, इन पर बहुत काम किया है, दूरदर्शन ने मेरे साथ मुझे बहुत बार बुलाया, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे हो गई, अब थोड़ी सी प्रथा चाहे जरूर कम हो गई, लेकिन अभी भी मेरा एक बहुत अच्छा नृत्य नाटिका है वो है रुद्र अवतार जी, कई बार आता है क्योंकि वो पिछला समय था आर्काइव में होगा जो कलावास था, तो इस तरीके से जी गुरु जी। जी आपने देश में भी बहुत सारे मंदिरों में जैसे परफॉर्म किया है, वृंदावन में, और तो उसमें मैंने सुना था फाग में आप लोगों ने किया था, फाग किया था, तो उसके विषय में बताइए कि किस तरह से था वो परफॉर्मेंस आपकी? देखिए क्या है कि भारत के अंदर जो पर्व हैं, और पहले भी ये प्रथा थी, आप देखिए ना पर्व की प्रथा इतनी ज़्यादा है अभी भी, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्र हैं, राम जन्म है, शिवरात्रि है, ये सारे पर्व जो हैं, तो उन मैंने शुरू से ही क्योंकि कम टाइम है और आप कह रही हैं तो मैं मतलब भूली बात को भी आगे ला रहा हूँ, तो पर्व में क्या होता था कि होली पर्व हमारे यहाँ सबसे सुंदर पर्व होता था, और हमने होली पर्व पर ये हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन में हमने होली पर नृत्य किया, और होली में क्या होता है कि रंग जो है आप वो रंग नहीं डालते हैं, केसर रंग जो है वो उससे बनाते हैं और उससे जो है वो दर्शक लोगों के ऊपर वो डाला जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जब हम इसको रंगमंच पर करते हैं तो हम होली को फूलों से जी मतलब करते हैं, तो उसकी भी विधि है कि इत ब्रज से हम जाते हती,
इत ब्रज से हम जात हती उत आबत शाम मचा बथोली। बहुत सुंदर अनुभव। इत ब्रज से हम जात हती उत आबत शाम मचा बथोली, रंग चकई हम पर फेंक दियो और जो हरवा और पा की होली। होली होली अब कैसी है, जी बहुत सुंदर अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका जो आप हमारे बीच आए। और वास्तव में सच कहा जाता है कि ईश्वर प्राप्ति का साधन संगीत है। आपसे बातचीत करके आपके साथ बैठकर उतना ही सुकून महसूस हुआ जो किसी मंदिर में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। हम आगे भी ऐसे ही ताबिंदा कलाकारों से रूबरू होते रहेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।